बच्चे और अब तैयार है नोबिता और डोरेमोन का पसंदीदा शिमला मिर्च का सूप। इन दोनों को क्या हो गया? पता नहीं क्या हुआ। कुछ तो सच में बहुत अजीब है। क्या सिर्फ मुझे ही ऐसा लग रहा है? आखिर हो क्या रहा है? अरे नहीं, ओ नहीं। अरे क्या हुआ डोरेमोन? नहीं नहीं, तुम बोलो क्या बात है। पहले तुम्हें कहना चाहिए डोरेमोन। नहीं नहीं, पहले तुम्हें कहना चाहिए। तुम जिद्दी हो। तुम जिद्दी हो। अगर तुम अपना दिमाग बदल लो और हम मॉन्स्टर्स की पूरी दिल से सेवा करें तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। ठीक है किंग, मैं मॉन्स्टर्स की पूरे दिल से सेवा करूंगा। ठीक है, चलो टेंशन को मिलकर खत्म करें। शिजुका, तुम्हारी बारी है, इधर आ जाओ। मेरी बारी? लेकिन मुझे ऐसा क्यों करना है? ये जर्नी टू द वेस्ट है। कहानी में ऐसा ही लिखा है कि टेंशन को आखिर में खाया जाएगा। तुम्हारी कहानी बिल्कुल गलत है, समझे? हाँ, भला मॉन्स्टर इंसानों से कैसे जीत सकते हैं? मैंने गलत नहीं कहा, क्योंकि मैंने ऐसा कभी नहीं सुना कि मॉन्स्टर्स इंसानों से हार जाते हैं। आज तुम चारों अजीब लग रहे हो। देखी सुगी, अजीब सिर्फ तुम लग रहे हो। मेरी बात सुनो, हर कहानी के अंत में हमेशा इंसान ही हारते हैं। देखी सुगी को अचानक से क्या हुआ? सिर्फ देखी सुगी ही नहीं, बाकी सारे भी हम लोगों के अलावा अजीब ही लग रहे हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम मॉन्स्टर्स इस दुनिया से हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। तुम सब लोग कैसे हो? कैसा चल रहा है? अच्छी तरह से पढ़ाई चल रही है ना? मैं चाहता हूँ कि सब के सब खूब मेहनत करें। सर, आपको पता है ये चारों इस कहानी को बदलना चाहते हैं। अरे वो हमने तो बस इतना कहा है कि मॉन्स्टर इंसान को नहीं हराएंगे। गलत कहा? जॉनी टू द वेस्ट में टैंकसेंग को खाया जाएगा, क्या ये गलत नहीं है सर? वैसे दोस्तों, मुझे तो आज सुबह से ही बहुत कुछ अजीब लग रहा है। ये हमारे साथ क्या हो रहा है? मुझे कल रात से अजीब चीजें दिख रही है। ये सब तब से हो रहा है जब से हमने डोरेमोन की मशीन में गेम खेलना स्टार्ट किया है। ये सब डोरेमोन की वजह से हो रहा है। अब क्या करें दोस्तों? सुनो दोस्तों, मैं अब घर जा रहा हूँ। मैं भी। नोबिता, डोरेमोन से बात करो और जल्दी से ये सब ठीक करो। समझ गए? तुम सब लोग घर जा रहे हो? डोरेमोन कार्टून में सबसे बेहतरीन पल का चयन करना कठिन है, क्योंकि हर एपिसोड में उनके साथ कुछ नया और रोमांचक होता है। फिर भी एक ऐसा पल है जो दर्शकों के दिलों में सबसे गहराई तक समाई है। वह है डोरेमोन, नोबिता और ख्वाबों की दुनिया के अंतिम सीन, जब डोरेमोन नोबिता को अपने संगीत के साथ अपने ख्वाब को पूरा करने की प्रेरणा देता है। इस सीन में नोबिता डोरेमोन के संगीत को सुनकर प्रेरित होता है और अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए प्रयास करता है। डोरेमोन की मदद से वह अपने आत्मविश्वास को बढ़ाता है और अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करता है। यह सीन हर दर्शक को एक संदेश देता है कि वे अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित हो सकते हैं, चाहे वो कितने भी बड़े और कठिन क्यों ना हों।